हेलो, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन एग्जाम, लैब साइंटिफिक ऑफिसर की एग्जाम, नर्सिंग स्टाफ एमसीक्यू बेस्ड ऑन ग्रुप 5 एग्जाम, AIIMS के एमसीक्यू क्वेश्चन, NORCT की एग्जाम, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम फॉर फैगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर? लीवर की फैगोसाइटिक सेल का नेम क्या है? कुफर सेल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट या मैक्रोफेजेस? इसका करेक्ट आंसर है कुफर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल लाइफ स्पैन इज अप्रोक्सीमेट 4 मंथ? कि कौन से सेल का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेट 4 मंथ है? WBCs, RBCs, प्लेटलेट या न्यूट्रोफिल्स? इसका करेक्ट आंसर है RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अदर नेम फॉर फैक्टर नंबर 13? फाइब्रिनोजेन, एंटी हिमोफिलिक फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, कैल्शियम? इसका करेक्ट आंसर है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेन इज यूज फॉर कैप्सूल? कैप्सूल के लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? इंडिया इंक, नेगेटिव स्टेन, फर्स्ट स्टेन, सेकेंड बोथ, क्रिस्टल वॉयलेट? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, दैट मीन्स इंडिया इंक और नेगेटिव स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन फॉरेन पार्टिकल एंटर इनटू बॉडी? फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है तो क्या होता है? ऑप्शन है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, नन ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है बॉडी में तो एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर डिफिशियंसी इन्वॉल्व इन हीमोफीलिया 5? हीमोफीलिया 5 में कौन सी फैक्टर डिफिशियंसी होती है? फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 9 या फैक्टर नंबर 11? इसका करेक्ट आंसर है फैक्टर नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेन इज यूज कैटेगरी ऑफ रोमनवोस्की? रोमनवोस्की कैटेगरी में कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? ब्लू कंटेनर, रेड कंटेनर, येलो कंटेनर या ब्लैक कंटेनर? तो इसका करेक्ट आंसर है रेड कंटेनर। नेक्स्ट है, विडाल टेस्ट यूज फॉर विच ऑर्गेनिज्म? किस ऑर्गेनिज्म के लिए विडाल टेस्ट की जाती है? साल्मोनेला, विब्रियो कॉलरी, स्टेपिलोकोकस या शिगेला? इसका करेक्ट आंसर है साल्मोनेला। साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म के लिए विडाल टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट इन स्टेरिलाइजेशन फॉर? हॉट एयर ऑन, वॉटर बाथ, ऑटोक्लेव या इनक्यूबेटर? इसका करेक्ट आंसर है ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर बिलिरुबिन एस्टिमेशन? बिलिरुबिन एस्टिमेशन के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? ऑप्शन है, मेलॉय एंड इवेनली मेथड, DAM मेथड, बायोरेट मेथड या हीट मेथड? इसका करेक्ट आंसर है मेलॉय एंड इवेनली मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडल जार मेथड यूज फॉर? कैंडल जार मेथड किस लिए यूज की जाती है? एरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक बैक्टीरिया, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया? इसका करेक्ट आंसर है अनएरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी कॉल्ड एज? पूरे बॉडी पे फ्लैजेला होता है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया या एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया? इसका करेक्ट आंसर है पेरिट्रॉफिक, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल ड्यू टू स्टोन और ट्यूमर सीन इन प्री हिपैटिक जॉइंटिस, पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस, हिपैटिक जॉइंटिस या ऑल ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउचेट रिएजेंट यूज फॉर विच टेस्ट? ऑप्शन है, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन या बिलिविरिडिन? इसका करेक्ट आंसर है बाइल पिगमेंट।